का जो सिलेबस है, ठीक है, इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। और इसमें जो है सबसे पहला टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना था, वॉइस पढ़ना था, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा एडवांस में आप लोगों को टेंस बता रहा हूं, टेंस से स्टार्ट कर रहा हूं। इसलिए टेंस से स्टार्ट कर रहा हूं कि यदि आप टेंस बहुत अच्छा से नहीं जान पाइएगा तो आप वॉइस नहीं जान सकते, ठीक है, नरेशन नहीं समझ सकते, ठीक है। तो इसलिए आज आप लोगों को हम टेंस का एक वीडियो बना करके यहां पर दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा, उसके बाद वॉइस आप देखिएगा, ठीक है। क्योंकि टेंस जो होगा, टेंस का एक ही वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, ठीक है। आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, फिर वॉइस चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, नरेशन चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस, यानी कि टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। अब जैसे देखिएगा कि टेंस का डिफिनेशन, वैसे डिफिनेशन आपको कहीं पूछने वाला नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आप इसके डिफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि क्या होता है कि समय के साथ साथ वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी कि समय के साथ साथ वर्ब के रूप में होने वाले परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि देखिएगा कि समय के साथ साथ, इसको एकदम लिख लीजिए, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ वर्ब के रूप में होने वाले परिवर्तन को ही टेंस कहते हैं। आप जैसे देखिएगा कि समय के साथ साथ वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। जैसे देखिएगा, अब ये V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, ठीक है, यानी वर्ब के कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं। अब जैसे देखिएगा कि यदि यहां पर कोई वर्ब हम लेते हैं गो, तो यहां क्या हो जाएगा, वेंट, यहां क्या हो जाएगा, गोन, और यहां क्या हो जाएगा, गोइंग, और ये क्या हो जाएगा, गोज। अब जैसे देखेगा कि कैसे वर्ब के रूप में परिवर्तन को ही टेंस करते हैं, जैसे गो का मतलब होता है जाना, ठीक है, वेंट का मतलब क्या हो गया, गया, ये जा चुका, ठीक है, उसके बाद ये जा रहा, ठीक है, और ये जाता। अब जैसे देखिएगा कि इसमें क्या होता है कि हम लोग देख रहे हैं कि वर्ब के रूप में जो परिवर्तन हो रहा है तो यही परिवर्तन क्या होता है, टेंस का निर्माण करता है, ठीक है। यानी कि इसलिए हम लोग ये परिभाषा को बढ़िया से समझ लीजिए कि समय के साथ साथ वर्ब के रूप में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। अब जैसे देखिएगा कि टेंस को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है, टेंस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि यदि हम लोग इसको देख लें कि टेंस, इसको हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। ये होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, और दूसरा होता है पास्ट टेंस, ठीक है, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी कि देखिएगा कि टेंस को कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होगा कि प्रेजेंट टेंस में वर्तमान समय में जो घटनाएं घट रही होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और जो पास्ट टेंस है वो क्या होता है कि जो कल घटनाएं घटी थी, यानी कि जो कल घटनाएं घटित हुई थी, यानी जो घटनाएं कल घटी थी उसको हम लोग किसमें रख देंगे, पास्ट टेंस में रख देंगे, और वैसी घटनाएं जो कल घटित होने वाली है ऐसी घटना को हम लोग किसमें रखेंगे, फ्यूचर टेंस में रखेंगे। तो यानी कि टेंस कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब जैसे देखिएगा कि प्रेजेंट टेंस को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, प्रेजेंट टेंस को भी हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं, पास्ट टेंस को भी हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं, और फ्यूचर टेंस को भी हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। इसका डिटेल्स
अगर हम लोग समझेंगे डिटेल से देखेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ आप लोग टेंस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो मैं यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब जैसे लिखिएगा इसमें कौन कौन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, या इसका दूसरा भी नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा जैसे नाम देखिएगा, दूसरा नाम है आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसका दूसरा नाम देखिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसका तीसरा भी नाम है ये प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। और इसका तीसरा जो फॉर्म है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये देखिए इसी तरह पास्ट का भी होगा, सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद इसका दूसरा नाम होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर में पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। या इसका दूसरा नाम क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद तीसरा होगा इसका नाम क्या, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, और तीसरा इसका नाम क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसी तरह फ्यूचर का भी होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, और यहां होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और यहां होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसे देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसको हम लोग सिंपल फ्यूचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट का एक ही नाम है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी एक नाम है। यानी कि जैसे देखिएगा कि टेंस को हम लोग देखें, क्या टेंस को कितने भागों में बांट सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब यहां पर देखते हैं क्या कि जो प्रेजेंट टेंस है उसको फिर कितने भागों में बांट सकते हैं, उसको चार भागों में बांट सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या दूसरा होगा इसका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या तीसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और इसका तीसरा जो फॉर्म होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो फॉर्म होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि एक को याद रख लीजिए, उसमें सिर्फ पास्ट और फ्यूचर लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं, देखते हैं आगे। अब जैसे देखिएगा कि यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसको हम लोग दूसरा इसका नाम है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब जैसे देखिए इसका पहचान क्या होगा, इसका पहचान होगा क्रिया प्लस ता है, ती है और ते है। यानी कि जैसे देखिएगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है लगा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे वह बाजार जाता है, ठीक है, वह बाजार जाता है, ठीक है, वह बाजार जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही goes to मार्केट। अब जैसे देखिएगा यहां पर क्या होता है, ही गोज टू मार्केट यानी वह बाजार जाता है। अब जैसे देखिएगा कि V1 का प्रयोग कहां होगा, ठीक है, V1 का प्रयोग और V5 का प्रयोग, यानी कि जो S या ES वाला फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, V5 बोलते हैं, ठीक है। तो V1 का प्रयोग कहां होगा और V5 का, तो V5 का प्रयोग कहां होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। यानी कि देखिएगा कि ये V5 का प्रयोग कहां होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब सवाल उठता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कैसे हम जाने कि कौन है, ठीक है। इसके लिए चार्ट का सहारा लीजिए, आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा कि यहां पर सिंगुलर नंबर और यहां पर प्लूरल नंबर, यहां पर पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और ये सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे आई है तो इसका प्लूरल वी होगा, यू है तो इसका यू ही होगा, यहां है ही, सी और इट, नेम्स, ठीक है, ही सी इट और नेम्स, इसके बदले में यहां पर क्या होगा, दे। अब जैसे देखिए हमने क्या कहा कि V5 का प्रयोग कहां किया जाएगा, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है सिर्फ वहीं पर किया जाएगा, बाकी सभी जगह किसका प्रयोग। अब बाकी सभी जगह कौन कौन सा हो गया, बाकी सभी जगह ये हुआ और ये हुआ, ठीक है, ये बाकी सभी जगह इसके साथ इसका प्रयोग होगा V1 का। इस चार्ट को बढ़िया से आप समझ लीजिए कि V1 का प्रयोग कहां होगा, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर छोड़ देंगे तो थर्ड पर्सन ये हुआ, सिंगुलर नंबर देखिएगा SN माने सिंगुलर नंबर, ही सी इट और नेम्स के साथ किसका प्रयोग होगा, V5 का प्रयोग होगा, बाकी जो बचेगा उसमें V1 का प्रयोग होगा, क्लियर हो गया। तो यहां पर ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए यहां पर गोज हुआ, ठीक है, लेकिन यहां होता आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए ये तो हुआ इसका अफर्मेटिव, अब इसका निगेटिव देख लेते हैं, ठीक है। निगेटिव देखिएगा तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको डू या डज को डोंट या डजंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिएगा क्या हो जाएगा इसका, जैसे वह बाजार नहीं जाता है, ठीक है, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या लिखे थे, आई डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक है, इस तरह से आप इसका निगेटिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में देखिएगा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा डू या
डज पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट होगा प्लस क्या हो जाएगा भी वन होगा, अब ऑब्जेक्ट होगा प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। कहने का मतलब है कि यहां पर सिर्फ भी वन आएगा भी फाइव नहीं, यहां भी भी वन आया भी फाइव नहीं, क्यों, इसलिए कि ऑलरेडी यहां पर भी वन या भी फाइव का प्रयोग किया जा चुका है। ठीक है, तो अब यहां क्या हो जाएगा, जैसे ही डज नॉट गो टू मार्केट, तो यहां पर क्या हो जाएगा डज ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद यहां हो जाएगा डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाता हूं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनाना हो तो क्या कीजिएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा डब्ल्यू एच वर्ड कहिए, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टर्म कह सकते हैं, यानी जिससे प्रश्न पूछा जाता है कि क्यों। अब जैसे है क्या कि जैसे इसमें कौन कौन सा चीज आ जाएगा, जैसे देखिएगा व्हाई, हूम, हु, ठीक है, हाउ, ये जितना भी दिख रहा है, ठीक है, ये जितना भी चीज दिख रहा है इस तरह का जो भी होगा, तो ऐसे टर्म को डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं या फिर उसको टर्म कहते हैं। ठीक है, तो टर्म का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टर्म प्लस नेगेटिव एक साथ देख लीजिए, जैसे यहां पर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एक साथ देखना था, चलिए टर्म प्लस नेगेटिव में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा टर्म, उसके बाद आएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यानी कि जैसे देखिएगा इसको बनाएंगे, वह बाजार क्यों जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा why does he go to वो बाजार क्यों नहीं जाता है, ही why does he not go to market। ठीक है, अब जैसे देखिएगा कि यहां पर क्या देख रहे हैं हम, कि यहां पर टर्म में सबसे पहले हम लोग टर्म का यूज करेंगे, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर भी वन का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस। ठीक है।